हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चिरंजीत, आप लोग देख रहे हैं एडिडास से। एडिडास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप की बॉम वाली फोटो एडिटिंग। मैं बहुत ही आसान तरीके में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इस कमाल के वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देख लाइक। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे एडिटिंग के वीडियो आप लोगों के लिए देता रहता हूँ। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया वो भी कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मैं यहाँ पे फाइनली स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो पहले मैं दिखा देता हूँ किस टाइप की फ़ोटो है। तो मैं गैलरी पर जाके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कुछ इस टाइप की फ़ोटो है। तो इसको सिंपली मैं शेयर कर लूँगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो लाइटरूम एप्लीकेशन के शेयर करने के बाद सिंपली लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वो फोटो ऐड हुआ है उसको ढूंढ लेना है। मैं ऑल फोटोज पे क्लिक करूँगा। ये देख सकते हैं ये फ़ोटो जो है आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो कलर एडजस्टमेंट करने से पहले इसका लाइट एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ़ोटो जो है काफ़ी अमेजिंग है। सिंपली मैं लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद सिंपली जो चीज़ करेंगे इस फ़ोटो के अंदर, इसका कॉन्ट्रास्ट जो है इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे 10 के आसपास माइनस। उसके बाद हाईलाइट्स को माइनस कर लेंगे 83 के आसपास। और इसका शेडोज जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। इसका शेडोज को मैं तकरीबन रखूँगा 26 के आसपास। और इसका जो वाइट्स जो है इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे 9 के आसपास माइनस। और इसका जो ब्लैक्स जो है इसको थोड़ा सा ज़्यादा माइनस कर देंगे। तो मैं इसको माइनस करूँगा 59 के आसपास। इसका जो कलर एडजस्टमेंट करने से पहले इसको करना ज़रूरी है। तो मैं जो स्टेप कर रहा हूँ वही स्टेप आपको करना है। इसका लाइट एडजस्टमेंट जो है हो चुका है। उसके बाद सिंपली मैं टेम्परेचर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा यहाँ पे। उसके बाद इसका जो वाइब्रेंस है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगा 56 के आसपास। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सिचुएशन को थोड़ा सा माइनस करेंगे -10 के आसपास। उसके बाद सिंपली मिक्स पे जाएंगे, दोबारा भी इसको रिटचिंग करेंगे। सबसे पहले थोड़ा वगैरह कलर को क्रैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेड को सिलेक्ट करेंगे। इसका ह्यू को मैं थोड़ा सा प्लस कर दूंगा 7 के आसपास। और इसका सिचुएशन भी थोड़ा सा प्लस कर देंगे 4 के आसपास। इसका लिमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 10 के आसपास। उसके बाद ऑरेंज कलर में चले जाएंगे। इसका जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे -10 के आसपास। उसके बाद इसका लेमनस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 14 के आसपास। उसके बाद सिंपली जाएंगे यहाँ पे येलो कलर में, इसका जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा प्लस कर लेंगे 42 के आसपास। और इसका जो लेमनस है इसको 0 और ह्यू को 0 रखेंगे, ह्यू को और लेमनस को 0 रखेंगे। उसके बाद सिंपली ग्रीन कलर में जाएंगे, इसका जो ह्यू है इसको माइनस बिल्कुल 100। तो येलो से टोन आ चुके हैं इस फोटो में, इसको ह्यू माइनस कर देंगे। और सिंपली इसका जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा प्लस कर लेंगे 54 के आसपास। इसका लिमिनेंस को 0 रखेंगे। उसके बाद सिंपली चले जाएंगे एक्वा कलर में, थोड़ा सा माइनस करना है तकरीबन 4 के आसपास माइनस। और जो सिचुएशन है इसको भी थोड़ा सा माइनस कर लेना है 5 के आसपास। उसके बाद सिंपली ब्लू कलर में जाएंगे, ह्यू को थोड़ा सा डाउन
और इसका जो भी सिचुएशन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे यहाँ पे 30 के आसपास। उसके बाद लेमन इसको ज़ीरो रहने देंगे, उसके बाद यहाँ पे डन कर लेंगे। उसके बाद इस फोटो में थोड़ा सा क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे, मैं इसको रखूँगा तकरीबन 20 के आसपास क्लैरिटी को। उसके बाद इस इमेज को सेव कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा फेस को स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद ओके कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है फेस को स्मूथ करना, तो इसको बैक कर लेंगे यहाँ पे होम करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लैरी को ओपन करेंगे। उसके बाद उस फोटो का अभी अभी आपने जो एडिट किया है उसको ले आना है, तो इसको ओपन करना है यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। इसके अंदर जो है फेस को स्मूथ करेंगे। तो मैं फेस को जूम कर लूँगा यहाँ पे। उसके बाद स्मार्ट वाले टूल पे सिलेक्ट करके ये वाला नंबर को ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। इसका साइज रखेंगे 25 और फॉग को 8 और स्ट्रेंच को 8। उसके बाद कुछ इस टाइप से आपको जस्ट पेंट करना है। आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। और फेस स्मूथ हो जाने के बाद सिंपली इसको सेव कर लेंगे इस इमेज को। मैं यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव डिवाइस कर लेंगे और इस फोटो को दोबारा ओपन करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद पूरा जो लास्ट रिटचिंग और एडिटिंग है उसके बाद ही करेंगे। तो सिंपली इसको सेव करने देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज वेट, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, उसके बाद सेव कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं सिंपली लाइटरूम एप्लीकेशन के दोबारा ओपन करूँगा लाइटरूम एप्लीकेशन को। तो मैं इसको बैक कर लूँगा यहाँ पे। उसके बाद फिर से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद इसी फोटो को दोबारा ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे, उसके बाद दोबारा ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे। ये फ़ोटो जो है आ चुका है। उसके बाद ये जो फाइनल कलर ग्रेड है इसके अंदर करेंगे। देख सकते हो फेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथ हो चुका है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे कलर वाला ऑप्शन पे। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मिक्स वाले टूल में। उसके बाद रेड कलर को सिलेक्ट करके इसका जो लेमनस है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे 10 के आसपास। उसके बाद सिंपली जाना है ऑरेंज कलर में, जो फेस का कलर है उस पर आने के बाद इसका ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 36 के आसपास। इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फोर के आसपास। और इसका लुमिनस को कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, थोड़ा बढ़ा सकते हो, फेस का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। तो मैं इसको तकरीबन 10 तक बढ़ा लूँगा यहाँ पे। उसके बाद जाना है सिंपली येलो कलर में। इसका जो ह्यू है इसको बिल्कुल -100 यहाँ पे देख सकते हो, कलर जो है आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ये कलर टोन। उसके बाद इसका जो सैचुरेशन है, तो कलर को पॉपअप करने के लिए सिंपली मैं इसका सैचुरेशन को यूज़ करूँगा 32 के आसपास। और इसका लेमनस को 08 रहने देंगे। उसके बाद ग्रीन कलर में जाना है, ह्यू को बिल्कुल डाउन -100 और सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस कर देंगे 70 के आसपास। उसके बाद एक्वा कलर में जाना है, इसका जो ह्यू है इसको थोड़ा सा माइनस कर लेना है 30 के आसपास और सैचुरेशन को भी 30 के आसपास -30। उसके बाद सिंपली जो चीज़ करना है, ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, इसका ह्यू को थोड़ा सा माइनस करना है 7 के आसपास और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पे
15 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे डन करना है, इफेक्ट वाले टूल में जाना है, इसका भिगनेट थोड़ा सा दे देंगे यहाँ पे 42 के आसपास। ये फ़ोटो जो है काफ़ी अमेजिंग बन चुके हैं, ये देख सकते हैं। इस फोटो को सेव करने के लिए सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव डिवाइस कर लेंगे, तो ये फ़ोटो जो है आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो कर देगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसको दिल से धन्यवाद, और मिलता रखने वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।